हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग एंड गुड इवनिंग। आप सब भी ठीक होंगे और हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं अच्छे से। पर बहुत सर्दी हो रही है आजकल, तो मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये क्या कर लिया है? क्या कर लिया ये है? ये क्या लगा लिया था ये है? अब उदम करके मेरे को ऐसे वो कर रहे हो ना, प्यारी कर रहे हो मेरे को उदम करके ना। पापा लेके आए थे इधर से। पर ये आपने क्यों किया था इसको खराब, बताओ पहले। ये क्यों किया था खराब बताओ। देख कितना कितना गुमराह कर रही है ना मेरे को। अब उदम एक्सेप्ट नहीं कर रही क्या आपका? जो भी वो उस इतनी क्रीम कौन लगाता है ये? ये कम्बल को क्यों खराब किया था? ये कम्बल को पूरा खराब कर दिया, देखो क्रीम लगा लगा के पूरी क्रीम इसमें से फिनिश कर दी, बिल्कुल भी क्रीम नहीं है। ये क्यों किया था खराब? पूरी कम्बल खराब कर दी, देखो क्यों किया था इसको खराब आपने। पूरे हाथों के भी क्रीम लगा ली और फेस के भी लगा लिया। क्यों लगाया था इतना सारा है? तो क्यों लगाया था तो ये बताओ ना मेरे को है? अरे क्यों लगाया था ये? अच्छा लग रहा है क्या आपको? अब अच्छा लग रहा है आपको? फिर रहने दो, ऐसे साफ नहीं करूँ ना है? नहीं करूँ क्या साफ? नहीं करूँ साफ? अब मेरी तरफ भी देख लो, इसको साफ कौन करेगा? इसको साफ बताओ, साफ कौन करेगा इसको है? पापा करेंगे साफ? पापा तो शाम को आएंगे, जब तक आप ऐसे ही रहोगी क्या? यहाँ कुर्सी लगा के इसको पूरा उतार के यहाँ से इसके ऊपर छट के और पूरी क्रीम खराब कर दी इसने है? पिटाई किसकी होएगी अब? पर वो किया ना, मेरी होएगी। भाग जाऊँ बाहर है? बाहर भाग जाऊँ क्या मैं? फिर आप उदम करोगे जिसे ना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्ची बड़े। ये मिर्चियों में से पूरे इनके बीज निकाल लिए मैंने अच्छे से इनको, और अभी इनमें मसाला डालूंगी मैं। ये बेसन का स्टफ भी मैंने तैयार कर लिया है, इसमें सारा सामान डाल के मैंने मिर्ची, नमक, हल्दी, थोड़ा सा जीरा भी डाला है और सोडा डाला है इसमें। और ये इतना पतला भी नहीं है, देखो अच्छे से तैयार हो गया, ये मिर्च के ऊपर रुक जाएगा ये। और यहाँ कर लिए मैंने ये मसाले तैयार, इसमें साबुत धनिया है, सौंफ है, जीरा है, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये मिर्च है, ये इधर धनिया काट के रख लिया है मैंने। इसमें तैयार कर लिया है ये आलू उबाल के, आलू के अंदर मिर्ची, नमक, हल्दी ये सब डाल के इसको तैयार कर लिया। कढ़ाई में डाल लिया है मैंने ऑयल, ऑयल हो चुका है गरम, और इसमें मैंने ये साबुत धना, सौंफ और धनिया का जो ये जीरा का जो पेस्ट तैयार किया था ना मिश्रण, अब इसको डालूंगी मैं, इसमें भूनूंगी इनको। इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसमें प्याज,
ये मसाला इसमें अच्छे से मिला दिया है मैंने। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना जब इसमें हरा धनिया बाद में मिलाऊंगी और फिर मिर्ची डालूंगी। हरा धनिया को मैं इसमें मिलाऊंगी, बहुत टेस्टी है। अब मैं इन मिर्चियों में इस मसाले को भरूंगी। इतनी सारी मिर्ची मैं क्यों बना रही हूँ इसका भी आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, फिर पता चल जाएगा कि मैं क्यों बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ। हम तो खाने वाले दही हैं, परू तो खाती नहीं है इनको, पर आप वेट करो और लास्ट तक वीडियो देखो, पता चल जाएगा आपको। मसाला डालूंगी, भरूंगी अच्छे से, भर लो इसमें दबा दबा के, पूरा निकलेगा नहीं, जिससे आसानी होगी खुद को भी बनाने में। ये मसाला इसके लिए चिपका दिया थोड़ा थोड़ा। अब इस तरीके से सारी मिर्ची जो है ना उनके सबके मसाला भर लूंगी और इस तरीके से चिपका दूंगी। मिर्च को बेसन में अच्छे से लपेट लिया है मैंने और ये अब हटेगा भी नहीं, देखो अच्छे से लिपट गया। इसको ऑयल में डालती हूँ, इस तरीके से सारी मिर्च डाल दो इसमें धीरे धीरे एक एक करके, और इसको अच्छे से शिकाय हो जाए ना जब ही हिलाओ इसको, ऐसे बीच में नहीं वो करना नहीं तो ये हट जाएगी। देखिए धीरे धीरे इसकी सिकाई हो रही है, दूसरी तरफ से मैंने इसको पलट दिया है, इसको पूरी तरीके से सिकाई हो जाएगी ना इसके अंदर बाहर से सब निकाल देंगे। मिर्च की अच्छे से सिकाई हो गई है, ये इसको देख लो अच्छे से, ये अच्छे से सिक गया ना तो पता चल जाता है कि इसकी अच्छे से सिकाई हो गई है। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। मिर्च बड़े बनकर तैयार हो गए। कैसे बने मिर्ची बड़े बताओ, खा लिए थे ना आपने? इधर मेरे को बता दो ना एक बार, अरु अच्छे, ऐसे भी कह दो गुड गुड। अच्छी वाली चीज है ना ये, है ना? ये मिर्ची बड़े मैं गुड्डी दीदी को भी देने जा रही हूँ, क्योंकि उनके भी कोई चीज बनाते हैं तो हमको देते हैं, और मैं भी कोई चीज बनाती हूँ तो उनको भी जरूर देती हूँ, तो इसीलिए ना पहले एक्स्ट्रा बनाती हूँ कि उनको भी देना। हम ऐसे ही बांट कर खा लेते हैं आपस में, तो अच्छा भी लगता है मुझे। गुड्डी तो बनाया था मौजूगी। खार बता जो का शेक लगया मैसेज करके रिप्लाई करती हूँ अभी। ठीक है, हाँ चारों घर वालों की चार संतोष रह गई, वो है ही है नहीं यहाँ पे। संतोष को दिखा दिखा के खाऊंगी, चिड़ा चिड़ा के खाएंगे। ठीक है, बताना कैसी बनी है ना। अच्छे बने हैं, एकदम स्वादिष्ट टेस्टी, तीखी भी नहीं है और बहुत अच्छी करारी करारी एकदम। सर्दी का मौसम है, आप भी कुछ बनाकर खाइए पिए और सर्दी से बच कर रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।